सत्ता में अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, जहां उम्मीदवारों को लेकर कहीं क्लेश है, कहीं कंफ्यूजन है, कहीं बगावत है, तो कहीं एक के बाद एक उम्मीदवार बदल रहे हैं। और ये कहानी कमोबेश सभी राजनीतिक दलों की है। सत्ता में आज हम उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट की बात करेंगे, जिसका नाम है रायबरेली और अमेठी। यूपी में कांग्रेस 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अभी अमेठी और रायबरेली सीट पर किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन TV9 भारतवर्ष के पास जो बड़ी जानकारी है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं और ये लगभग फाइनल हो चुका है, बस घोषणा बाकी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी और रायबरेली अमेठी की जिला कमेटी इस संबंध में पहले ही अपना प्रस्ताव दे चुकी है। आप जानते ही हैं कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। सोनिया गांधी पिछले दिनों खुद ही चुनावी राजनीति से अलग हो चुकी हैं और राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। वहीं राहुल गांधी भी 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने के बाद केरल के वायनाड से सांसद हैं और इस बार भी वायनाड से वो नामांकन कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यही था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी या नहीं, और अमेठी का क्या होगा, वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। रायबरेली वाला जवाब तो मिल गया है, प्रियंका का नाम लगभग फाइनल है। और इसकी वजह यह भी है कि तमाम सर्वेक्षणों में कांग्रेस को यूपी में कोई खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है। अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी तो कहीं यूपी में कांग्रेस की जड़ ही समाप्त ना हो जाए। दूसरी तरफ अमेठी का मामला अभी क्लियर होना बाकी है। बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी को अमेठी से एक बार फिर प्रत्याशी बनाया जा चुका है। वही तमाम चर्चाओं के बीच प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा अमेठी सीट को लेकर बहुत ही सीरियस हो गए। उन्हें लेकर चर्चाओं के बाजार में आश्चर्य के विस्फोट हुए। इसकी वजह है रॉबर्ट वाड्रा का वो बयान, जिस पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आई हुई है। वाड्रा ने कहा है कि अमेठी की जनता चाहती है कि वो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़े। सिर्फ 76 सेकंड में देखिए कैसे रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर अब व्यंग्य और तंज वाली राजनीति हो रही है। मैं तो तभी तैयार हूं अगर लोगों को लगेगा कि मैं उनके लिए कुछ बदलाव ला सकता हूं, उनके लिए कुछ फायदा हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी खुश है कि मैं करूं और अगर मेरे परिवार का आशीर्वाद है, तब मैं तैयार हूं। जमीनी पकड़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अपना हाथ छुड़ा रहे। ऐसे में अब एक बहुत जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी, ये तो वक्त बताएगा। तो फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है, CWC को करना है, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। रॉबर्ट वाड्रा जी भी गांधी नेहरू परिवार के माननीय सदस्य, उनके उम्मीदवारी के बाद ये जो सैकड़ा है परिवारवाद का, ये पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो वहां से चुनाव लड़े। अब आपको रायबरेली सीट का राजनीतिक इतिहास और यहां गांधी परिवार के सियासी दबदबे की पूरी कहानी बताते हैं। हिंदुस्तान के पहले लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये साल 1951-52 में हुआ था। उस वक्त लोकसभा चुनाव में रायबरेली और प्रतापगढ़ जिलों को मिलाकर एक लोकसभा सीट थी। उस चुनाव में यहां से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। साल 1957 में रायबरेली सीट अस्तित्व में आई। यहां से एक बार फिर फिरोज गांधी सांसद बने। 1957 से 1960 तक फिरोज गांधी सांसद रहे। उसके बाद 1967 से 1977 तक 10 साल इंदिरा गांधी यहां से सांसद रही। आपको यहां पर यह भी बता दें कि 1977 वही साल था जब लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। जनता पार्टी के राजनारायण ने इंदिरा गांधी को शिकस्त दी थी। इसके बाद रायबरेली लोकसभा सीट पर फिर से गांधी परिवार की ओर से साल 2004 में सोनिया गांधी चुनाव लड़ी और लगातार 20 साल तक वो सांसद रही। कुल मिलाकर देखें तो रायबरेली के राजनीतिक इतिहास में सिर्फ एक बार जनता पार्टी से और एक बार बीजेपी के सांसद रहे हैं। बाकी कांग्रेस के प्रत्याशियों को ही यहां से विजय का आशीर्वाद मिलता रहा है। ऐसा ही कुछ इतिहास अमेठी का भी है। साल 1980 में पहली बार गांधी परिवार से किसी ने चुनाव लड़ा। संजय गांधी अमेठी से लोकसभा पहुंचे। संजय गांधी की मौत के बाद भी ये सीट गांधी परिवार के खाते में ही रही। राजीव गांधी साल 1981 से 1991 तक 10 साल यहां से सांसद रहे। इसके बाद साल 2004 से 2019 तक
लगातार 15 साल राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा था जब बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हार गए थे। इस बार भी बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस परंपरागत सीट को फिर से अपने खाते में लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होना है। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। 5वें चरण के लिए 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जबकि 3 मई तक नॉमिनेशन दाखिल किया जा सकेगा। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, वही 6 मई को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख है।